नमस्कार, मैं निकिता कश्यप, स्वागत है आपका भारत न्यूज टीवी में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। प्रखंड मुख्यालय स्थित न्याय जन प्रतिनिधि भवन में क्षेत्र के दिव्यांगों को जागरूक करने को लेकर शनिवार को बैठक आयोजित की गई। प्रखंड प्रमुख ने आयुक्त को गुलदस्ता से स्वागत किया। बैठक को संबोधित करते हुए राजयुक्त निसक्ता डॉक्टर शिवाजी कुमार ने दिव्यांगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर इसका लाभ उठाने के प्रति दिव्यांगों को जागरूक किया जा रहा है। दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर तरह से प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें पदाधिकारियों के साथ साथ प्रतिनिधियों का सहयोग भी आवश्यक है। बिना सहयोग किए दिव्यांगों को सभी लाभ नहीं मिल सकता। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव में दिव्यांगजनों को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी कारण पंचायत स्तर तक दिव्यांग समूह का गठन किया गया है। इस दौरान दिव्यांगों के शिकायत सुनते ही उन्होंने संबंधित सभी पदाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वाले पदाधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी देते हुए बताया कि 15 नवंबर को बेनीपट्टी स्थित बुनियाद केंद्र कार्यालय में प्रमाणीकरण का कार्य एवं दिव्यांगजनों की समस्याओं के निराकरण तथा निष्पादन के लिए चलंत न्यायालय का आयोजन किया जाएगा। मौके पर BDO अरुणा कुमारी चौधरी, CO शशभूषण प्रसाद सिंह, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर KD राय, BO नौशाद अहमद, PO अमजद रेजा, CDPO पुष्पा कुमारी, सांख्यिकी पदाधिकारी शत्रुघ्न राम, प्रमुख राजेश कुमार पांडे उर्फ बालाजी, कांग्रेस नेता अजय राय, शिवचंद्र मिश्र, मुखिया दयानंद झा, कांग्रेसी नेता अजय राय, सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश पंजियार सहित दर्जनों लोग मौजूद थे। आज जो है हम लोग हरलाती ब्लॉक में दिव्यांगजनों का समूह के साथ बैठक की, जो पंचायत स्तर पर हर एक पंचायत से 5-5 दिव्यांगजनों का समूह बनना है और इसकी 15 दिन तो बैठक होनी है और उसी में से एक एक दिव्यांगजन आएंगे और जो प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी उनके साथ महीने में एक बार बैठक करेंगे। तो आज जो बैठक हुई मैं बता दिया हूँ कि जो समस्या का है हर विभाग को अपने अपने स्तर से समाधान करना है और 15 तारीख को बनीपट्टी में दिव्यांगजनों के लिए चलंत लोक अदालत आयोजन किया जा रहा है। जिन दिव्यांगों को वहाँ पहुँच सकते हैं वहाँ आए, हम उनकी बातों को सुनेंगे और उनको कहाँ से उनको राहत मिलना है या कहाँ से संविधान या उनकी शिकायतें। मधुबनी से किशोर कुमार की रिपोर्ट। ये थी आज की ताज़ा खबर। देश और दुनिया की और ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए भारत न्यूज़ TV के साथ। नमस्कार।